एक ऐसा बाजार जो सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम 3:30 बजे बंद हो जाता है। इन 6.25 घंटों में लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत बनती और बिगड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। शेयर मार्केट पर मेरा ये चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियोस को अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कई मैसेजेस मिले कि सोनू सर एक ऐसा वीडियो बना दे जिसमें शेयर मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाए। इसलिए आज शेयर मार्केट पर अब तक अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी को भी ये 9 बातें ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है और है तो कितना रिस्क है। दूसरी बात करना तो आज बहुत ही जरूरी है और वो ये कि कई यंगस्टर्स के सवाल मुझे बार बार आ रहे हैं कि हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन आज दूंगा। और तीसरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिगनर शेयर मार्केट में शुरुआत करने का पहला कदम कैसे उठाए। और चौथा टॉपिक ये कि दुनिया में कई लोगों को अरबपति बनाने के बाद भी ये बाजार इतना बदनाम क्यों है। आज ये भी बताऊंगा कि क्यों डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। साथ में ये भी जानेंगे कि व्हाई इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इज द ओनली गुड ऑप्शन लेफ्ट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के गिरने और उठने का कारण क्या है और किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरता है और क्यों बढ़ता है। और सबसे आखिरी में इस बाजार के लिए सबसे खुशी की खबर आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। अब सबसे पहला सवाल, क्या शेयर मार्केट रिस्की है? इसका सीधा सा जवाब है जी हां, बिल्कुल। जहां आप मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो जगह रिस्की ही होती है। जहां प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज हो वहां लॉस होने का चांस भी होता है। शेयर खरीदने का मतलब ही यही है कि आप उस कंपनी के आंशिक ही सही पर मालिक तो बन ही रहे हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी होगा। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी बिल्कुल डूब ही जाएगा, और अगर उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। और सीधी सी बात है मेरे दोस्त, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क होता है। लेकिन यहां रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी उतने ही बड़े हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, नेस्ले, ब्रिटानिया, विप्रो, टीवीएस, टाइटन, सीमेंस, MRF। इन कंपनीज ने लोगों को इंस्पायर किया है बाजार में पैसा डालने के लिए। MRF का एग्जांपल से समझाता हूं आपको। उन्होंने इस बाजार में बेहद शानदार बल्लेबाजी करी है। MRF का स्टॉक 2001 में 700 रुपए पर था और आज 2024 में स्टॉक 1,26,000 का हो गया। यानी अगर किसी ने 2001 में 1,00,000 रुपए के MRF के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी कीमत 1,80,00,000 रुपए होती। नेस्ले का एग्जांपल लेते हैं। सन 2000 में नेस्ले 549 पर था जो 2020 में बढ़कर 18,392 हो गया, यानी 282 टाइम्स की रिटर्न, वो भी सिर्फ 30 साल। अब आप ब्रिटानिया को ही देख लीजिए। 1990 में सिर्फ 14 रुपए का स्टॉक था, आज बढ़कर 2024 में 5,235 का हो गया, यानी 370 गुना की रिटर्न। ऐसी रिटर्न की उम्मीद आप और कहां कर सकते हैं। 1993 में विप्रो का शेयर 1 रुपए का था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विप्रो का शेयर 1993 में महज 1 रुपए का था जो 2024 में बढ़कर 463 रुपए का हो गया। यानी जिसने उस समय 1993 में 1,00,000 रुपए लगाए थे वो आज बढ़कर 4,63,00,000 हो गए। तो ये बात समझने वाली है दोस्त की शेयर मार्केट रिस्की तो है, इसलिए इसके रिटर्न भी इतने ही शानदार हैं। लेकिन आप समझदारी से अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क खत्म या बिल्कुल ना के बराबर किया जा सकता है। आगे इसके बारे में बात करूंगा। अब आज का अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो कई यंगस्टर्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सोनू सर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। देखो भाई, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेंडम है या कंसिस्टेंट। रेंडम इन्वेस्टमेंट बोले तो आज मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश भी हो रही है, मूड बड़ा अच्छा है, चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, ये एक बेहद घटिया तरीका है पैसा डुबोने का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको बता देता हूं। हर महीने 1,000 रुपए अलग कर लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इतनी छोटा सा अमाउंट कोई भी आराम से निकाल सकता है। इतने का तो गुटखा, पान, तंबाकू खा के लोग सड़कों पर थूक देते हैं, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जादू कर देगी। 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए और अगले साल इसमें 15% बढ़ा दीजिए, यानी अगले पूरे
पूरे साल हर महीने आपको इन्वेस्ट करने हैं 1150 रुपए। तीसरे साल फिर से इसको दोहराएं, 15% बढ़ा दें, यानी तीसरे साल हर महीने इन्वेस्ट करिए 1325 रुपए। इतनी बढ़ोतरी आप हर साल आराम से कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। बाकी शेयर मार्केट के जादू पर छोड़ दीजिए। अगर शेयर मार्केट आपको हर साल एवरेज 15% का भी रिटर्न दें, तो कैलकुलेट करिएगा SIP कैलकुलेटर से, 25 साल के बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। बस शर्त यही है कि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करें, रेंडम इन्वेस्ट नहीं करें। कोई भी यंगस्टर बहुत आराम से इतने पैसे हर महीने निकाल सकता है, और अगर उसको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की आदत लग गई, तो मेरी ये गारंटी है कि अगले 20-25 साल में उसकी फाइनेंशियल वेल्थ आसमान छू जाएगी। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट में शुरुआत करने का पहला कदम कैसे उठाएं। ये बहुत ही आसान है आजकल के डिजिटल माहौल में। आपको चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट, और साथ साथ ट्रेड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट। बहुत सी कंपनीज भारत में हैं जहां पर अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर खरीद और बेच सकते हैं। पर जब भी आप कोई शेयर बाय और सेल करेंगे, तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको एक ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अगर उस ब्रोकरेज को भी आप बचाना चाहते हैं, तो एक ऐप आपको मैं यहां पर बता देता हूं, जो है शून्य, जहां पर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। यहां आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। आप चाहें तो उसको एक बार अपने लेवल पर खुद से भी चेक कर सकते हैं, कहीं बाद में ब्रोकरेज लग तो नहीं जाएगा। इनका एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इस कैलकुलेटर पर जब आप स्टॉक डालेंगे, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डालेंगे और कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो पता चल जाएगा कि यहां ब्रोकरेज शून्य है, सिर्फ गवर्नमेंट चार्जेस एप्लीकेबल हैं। इस ऐप के एक और अच्छा फीचर मैंने देखा, अभी जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे मालूम चला इनके पास एक AI बेस्ड प्रेडिक्टर टूल है, जो 3 दिन से लेकर 1 साल तक के स्टॉक को रिकमेंड करता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर गया, कौन सा नीचे। ये बहुत बढ़िया चीज है कि यहां अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनुअल चार्जेस, मेंटेनर चार्जेस 0 हैं, साथ ही साथ शून्य सेबी भी रजिस्टर्ड है और सेफ भी है। अगर आप चाहेंगे तो लिंक आपको मैं नीचे बायो में दे दूंगा, आप अपने तरीके से अच्छे से चेक कर सकते हैं। आगे लेकर चलता हूं और बात करता हूं अपने टॉपिक नंबर 4 की, कि दुनिया में कई लोगों को अरबपति बनाने के बाद भी यह बाजार इतना बदनाम क्यों है। इसके जिम्मेदार काफी हद तक हमारा है सोशल मीडिया। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कोई महापुरुष, कई महारथी एक दिन में पैसा डबल करने की स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं। 10 लगाओ 20 पाओ, वो भी एक दिन में। ऐसी बातें सुनकर जो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं ना, वो लोग डीमैट शब्द को ध्यान से पढ़ें। डीमैट खुद ही कह रहा है कि इनके कहने से पैसा दे मत। इसी तरह के लोग सबसे पहले मरते हैं और उनका पैसा डूबता है, और फिर यही शेयर बाजार को बदनाम करते हैं। तो सारा खेल यहाँ माइंडसेट का है। आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो क्या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो डबल पैसा हो जाएगा? अगर आप कोई गोल्ड खरीदते हैं, तो क्या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं? गोल्ड के बारे में तो लोग सालों साल रखते हैं, 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल लॉकर में रखते हैं, तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है ना। लेकिन शेयर बाजार की कहानी क्या है, यहां पर बहुत सारे लोग सुबह इन्वेस्ट करके सोचते हैं कि शाम को मैं करोड़पति हो जाऊं। दोस्त, अगर शेयर बाजार से आपको साल का 15-20% भी रिटर्न मिल रहा है, तो बल्ले बल्ले मान लीजिए। इसके ऊपर के शेख चिल्ली के ख्वाब बिल्कुल मत देखिए। अगर ऐसा किया तो मुंह के बल गिरोगे और इस शानदार बाजार को बदनाम करोगे। अब आज का टॉपिक नंबर 5, बात करेंगे कि क्यों डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पहले समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। डे ट्रेडिंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जिस दिन शेयर खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं, चाहे फायदा हो या नुकसान, उसी दिन हिसाब किताब बराबर। दूसरी तरफ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं। ये मेरा पसंदीदा है। सक्सेस प्रिंसिपल दोनों तरह की ट्रेडिंग में जुदा है। डे ट्रेडिंग में न्यूज और अफवाहों का बड़ा रोल है। कोई अफवाह फैल गई, युद्ध होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, सरकार गिरने वाली है, तो बाजार धड़ाम से गिरने लगता है। और जो सुबह खरीदकर शाम को करोड़पति होने का सपना देख रहा था ना, उसकी हालत यहां पतली हो जाती है। ये नेचुरल है कि डे ट्रेडिंग कभी कभी काफी डेंजरस होती है यार। और डे ट्रेडिंग करने वालों के पास एक चीज कभी नहीं होती जो डिलीवरी ट्रेडिंग करने वालों के पास होती है, और वो है टाइम टू रिकवर। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 की, हाँ, कि क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही इज द ओनली ऑप्शन फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। पिछले 5 साल में बाजार में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या करीब 12 करोड़ है, क्योंकि आज मिडिल क्लास को यह बात समझ में आ गई है कि सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट ना के बराबर है, 3-4% और FD भी कोई 6-7% देती है। इन्फ्लेशन जाता है 12-14% तक, और बैंक अकाउंट में जो FD है उस पर 30% टैक्स कट जाता है। तो एक्चुअली में बैंक में रखा पैसा बढ़ नहीं रहा, कम ही हो रहा है। अब लोग वो पैसा शेयर मार्केट में लगाने लगे हैं। गोल्ड में
में भी इन्वेस्टमेंट से लोगों का मोह खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का रेट वैसे ही ऑल टाइम हाई पर है। सोना आजकल सिर्फ बैंक लॉकरों की शोभा बढ़ा रहा है। आजकल के माहौल में आप जानते हैं कि लेडीज वैसे ही बाहर सोना पहन के घूम नहीं सकती, सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न है। और अगर पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो घूम फिर के वो पैसा भी शेयर बाजार में ही लग जाता है। तो बेटर है कि आप अपना पैसा अपने हाथ से शेयर बाजार में समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें। कौन से 5 कारण हैं जिसके कारण शेयर बाजार गिरता है, और वो कौन से 5 कारण हैं जिसके कारण शेयर बाजार में किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, और सबसे लास्ट में दूंगा सबसे बड़ी खुशी की खबर। चलिए बात करते हैं कि क्यों गिरता है शेयर बाजार। 5 रीजन दूंगा आपको। सबसे पहला, विल टू बाय। सीधी सी बात है, अगर लोगों में खरीदने की इच्छा होती है बाजार उठ जाते हैं, बेचने की इच्छा होती है तो बाजार गिर जाते हैं। लोगों में खरीदने की इच्छा होने का सबसे बड़ा कारण है देश की इकोनॉमी। अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है, स्टेबल है, तो लोग खरीदते हैं और बाजार शानदार परफॉर्म करता है। अगर देश की इकोनॉमी हिचकोले खा रही है तो लोग बेचेंगे और बाजार गिरेगा ही गिरेगा। दूसरा कारण, डेली न्यूज। शेयर मार्केट रोज करवट बदलती है। अगर किसी दिन देश में पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है तो बाजार खिलने लगता है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई बाजार गिर जाता है। जैसे कि खबर आई कि भारत की GDP 8% रहेगी, देखना बाजार छलांगे मारने लगेगा, और न्यूज फ्लैश हुई कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है तो भी बाजार छलांग लगाएगा, और गलती से खबर आ गई कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, औंधे मुंह गिर जाएगा बाजार। तीसरा, इन्फ्लेशन। शेयर बाजार पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। देखो दोस्त, जब जब महंगाई बढ़ेगी सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट के कमोडिटी के रेट बढ़ेंगे और डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब डिमांड कम है तो सेल कम होगी, सेल कम है तो प्रॉफिट कम होंगे। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाता है, जिसका कारण शेयर गिर जाते हैं। चौथा कारण, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत अगर बढ़ रही है तो शेयर मार्केट के गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज पर इसका बुरा असर होता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर उनको अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ जाते हैं, जिससे मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। पांचवा और आखिरी कारण बाजार के गिरने का, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में वर्ल्ड इकोनॉमी का भी हमारे शेयर बाजार पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है, और खासतौर पर अमेरिकन इकोनॉमी का। ये प्रभाव इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इंफोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिकन शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं, और वहां अगर कीमतें गिरती हैं तो नेचुरली उसका असर यहां भी होता है। अब बात करता हूं उन 5 कारणों की जिसकी वजह से किसी भी शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ऑर्डर। जब भी किसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो कंपनी के शेयर प्राइस छलांग लगाते हैं। सीधा सा मैथ्स है कि ऑर्डर पूरा होने पर प्रॉफिट होगा, इसकी उम्मीद में शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 2005 में सीमेंस को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 150 करोड़ का ऑर्डर दिया, जिससे उसका शेयर प्राइस में गजब का उछाल हुआ। दूसरा कारण शेयर प्राइस बढ़ने का, सेल्स। जब भी किसी कंपनी की सेल बढ़ती है उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। खबर आई कि टाटा मोटर ने 28% गाड़ियां ज्यादा सेल करी, टाटा मोटर का शेयर प्राइस बढ़ गया। ऐसे ही जब बजाज ऑटो ने 2005 में 2004 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा टू व्हीलर बेचे, उसका शेयर प्राइस धड़ाके से बढ़ गया। तीसरा कारण शेयर प्राइस बढ़ने का, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्त किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के बढ़ने का। जब भी 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर होता है तो नॉर्मली दोनों ही कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर से दोनों की प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। 2005 में SR ग्रुप की कंपनी SR ग्लोबल ने कतार की स्टील कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, क्योंकि उनको 40,00,000 टन की स्टील यूनिट को लगाना था। इस खबर के बाद दोनों कंपनी के शेयर प्राइस आसमान छूने लग गए। चौथा कारण, एक्विजिशन। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन करती है तब भी उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। खबर आई कि गोदरेज ग्लोबल ने एक अमेरिकन BPO कंपनी का एक्विजिशन कर लिया, तो गोदरेज इंडस्ट्री का शेयर का भाव बढ़ने लग गया। पांचवा, सबसे हैरान करने वाला कारण, मॉनसून। हैरान होंगे आप ये जानकर कि कई कंपनीज के शेयर का रेट मौसम के हिसाब से भी बढ़ता और कम होता है। सही समय तो रेट सही, समय खराब तो रेट खराब। कैसे? सीमेंट बनाने वाली कंपनी की सेल्स बारिश के मौसम में कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, क्योंकि बारिशों में कंस्ट्रक्शन का काम रुक सा जाता है, इसलिए उस वक्त सीमेंट कंपनी के भाव कंपैरेटिवली कम होते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है, मानसून ढीला होता है, डिमांड बढ़ जाती है और शेयर के भाव में। अब वीडियो के आखिरी में सबसे खुशी की खबर आपको देता हूं। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग भारत में इस बाजार से जुड़े हैं? NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2019 और 2023 के बीच यानी इन 5 सालों का डाटा दिखाया है। क्या कह रहा है? 120 मिलियन इन्वेस्टर यानी 12 करोड़ नए लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है।
आंकड़े तेजी से बदलते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 12 करोड़ इंडियंस ने इन्वेस्टिंग में अपना पहला कदम रखा है और सिर्फ जनवरी 2024 में ही मोर देन 5.4 मिलियन इन्वेस्टर्स यानी 54 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं इन सब लोगों के साथ। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा साइन है। वी शुड सेलिब्रेट दिस डेटा। तो समय करवट ले रहा है, आइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट करिए। डाउनलोड कर सकते हैं आप शून्य ऐप और स्टार्ट करिए इन्वेस्टिंग। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ध्यान से ही इन्वेस्ट करिए। सोच समझ के शेयर चुनिए और अपना पैसा लगाइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।